तो लैपटॉप को जब ओपन किया तो सामने लीगलाइजेशन सेक्शन फॉर एग्जाम दैट डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय वेरीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट, कि लीगलाइजेशन की जब सबमिशन आप लोगों ने करनी है तो फॉलोइंग जो एलिमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है एम्बेसी आपकी लीगलाइजेशन की जो है वो एक्सेप्टेंस करेगी या नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में बड़े डिटेल से चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निकाहनामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट और एफिडेविट या यूनियन काउंसिल से लेटर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जब आप लीगलाइजेशन की सबमिशन करवाने जाते हैं उन से रिलेटेड जो है आपको हम बड़े तफसील से जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा भी होगा, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उनको इश्यूज इस चीज़ के आ जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि ये सबमिशन वगैरह करवाते वक्त किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। तो उससे रिलेटेड सारे के सारे जो है ना पॉइंट्स आपकी जो है ना हम इसके अंदर जो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं। चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जिसको आमतौर पर बोला जाता है बे फॉर्म बोला जाता है, ठीक हो गया, इसको CRC भी बोला जाता है, ठीक हो गया। एब्रीवेशन को लाजमी याद रखा करें क्योंकि एब्रीवेशन का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है आप लोगों के साथ। तो इसके अंदर जो है वो आप सबमिशन करवाने जाते हैं तो सबसे पहले नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम एंड सर नेम ऑफ फादर एंड मदर, ये चार चीज़ों का वो गौर से जायजा लेते हैं, और अगर इनके अंदर कोई इश्यूज हो तो वो सबमिशन नहीं करेंगे, अगर इशू नहीं है तो सबमिशन कर लेंगे। इसके बाद BRC जिसको बर्थ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बोला जाता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है, और इसके अंदर भी नाम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक हो गया, और इसके साथ साथ फादर नेम और मदर नेम, इनकी भी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, इनको टैली किया जाता है, इनको कंपैरिजन किया जाता है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों की जो है वो सबमिशन होती है या नहीं होती। इसके बाद बारी आती है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो होता है वो आपका नाम, आपका सर नेम, CNIC नंबर, नेम एंड सर नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, मदर एंड फादर, इन चीज़ों का वो गौर से देखते हैं, वो टैली करते हैं, अगर ये ठीक होती हैं तो वो सबमिशन करते हैं, अगर नहीं होती तो फिर इश्यूज़ आते हैं। इसके बाद बारी आती है निकाहनामा की। निकाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है और इसी के अंदर से सारे इश्यूज़ निकल कर आते हैं और इसी से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जब आप सबमिशन करवाने जाते हैं तो क्या चीज़ों का देखते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ बोथ स्पाउसेस के, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक हो गया, जो स्टेटस होता है दोनों मियाँ बीवी का वो चेक किया जाता है, मैरिज डेट चेक की जाती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वो लाजमी चेक करते हैं। इसके बाद ही आपकी आपका इस निकाहनामे को वो टैली करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से, और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी सेम यही चीज़ें देखते हैं, नेम एंड सर नेम ऑफ बोथ स्पोज, CNIC नंबर, पासपोर्ट ऑफ बोथ स्पोज, जो आपका मैरिज का स्टेटस होता है दोनों स्पोज का वो देखते हैं, डेट ऑफ मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये लाजमी वो देखते हैं। इसके बाद बारी आती है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट उस सूरत में आपको चाहिए होता है कि अगर आपने नेशनैलिटी के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए निकालना, तो उसके अंदर जब आप उनकी लीगलाइजेशन वगैरह करवाने जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या देखते हैं कि नेम आपका देखते हैं, उसके बाद सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशुंस ऑफ जो है सर्टिफिकेट, इन चीज़ों का वो जो है वो चेक करते हैं। इसी के साथ साथ बारी आती है डाइवोर्स सर्टिफिकेट की। डाइवोर्स सर्टिफिकेट में जो एप्लीकेंट जो डाइवोर्सी होते हैं उन दोनों का नेम और सर नेम देखा जाता है, CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ डिवोर्स, डेट ऑफ फाइल कॉन्सिलेशन या आर्बिट्रेशन में अटेम्प्ट जो की होती हैं वो, और इफेक्टिव डेट ऑफ डिवोर्स, इन चीज़ों को भी वो देखते हैं, और उसके बाद ही जो है वो सबमिशंस वगैरह करने की करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये चीज़ें सारी उनके रिकॉर्ड के मुताबिक हों तो वही वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है एफिडेविट्स। एफिडेविट्स उस सूरत में होता है कि अगर तो आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं या फिर एक वाइफ या हस्बैंड में से वालदा इधर है और सिर्फ बच्चे ने जाना है, तो फिर वालदा की तरफ से जो है था वो एफिडेविट होता है। तो उसके अंदर जो है एप्लीकेंट की पर्सनल
डिटेल्स चेक की जाती है, रेजिडेंट डाटा चेक किया जाता है, डेट एंड प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन चेक की जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक नोटरी ऑन रीजन ऑफ डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। इसके बाद बारी आती है डेथ सर्टिफिकेट की। डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस सूरत में ज़रूरत होती है अगर मैरिज सर्टिफिकेट या आपके बर्थ सर्टिफिकेट में वालदैन का CNC नंबर ना मेंशन हो, तो फिर क्या वो करते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट को देखते हैं और उसके अंदर भी नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिजीज्ड, प्लेस ऑफ डेथ, नेम एंड सरनेम ऑफ फादर एंड मदर ऑफ डिजीज्ड, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और उसी के बाद ही जो है वो देखते हैं कि आया कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मीनवाइल जो यूनियन काउंसिल के लेटर्स वगैरह आते हैं उसके अंदर भी एप्लीकेंट्स का नेम, सरनेम, पासपोर्ट और CNIC नंबर, स्टैम्प, सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिशियल अथॉरिटीज़, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चार स्टेप्स है वो लाजमी वो चेक करते हैं और सम टाइम इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इसकी वजह से भी आपके पेपर लीगलाइजेशन के लिए सबमिशन नहीं होते, तो वो लाजमी आप देखा करें। सबसे पहले जब आप फॉरन ऑफिस इनके अटेस्टेशन करवाते हैं तो वेरीफिकेशन ऑफ कोर्ट जो होता है वो सब इस डॉक्यूमेंट के पर लाजमी फिक्स होना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो वेरीफिकेशन के जो करता है, जिस जिस की भी स्टैम्प्स वगैरह लगी होती हैं उन सभी के सिग्नेचर लाजमी होने चाहिए और उनकी स्टैम्प के साथ सिग्नेचर और डेट्स वगैरह जो है वो मेंशन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप MRC निकालनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, यूनियन काउंसिल के लेटर पे किसी ऑफिसर की, यानी कि जैसे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हो गया या कोई ऑफिसर हो गया, उसकी स्टैम्प वगैरह लगवाते हैं तो उसके साथ साथ उसका CNIC नंबर, डेट, उसका फ़ोन नंबर और सिग्नेचर, ये पांच चीज़ें लाजमी साथ में होनी चाहिए। और लास्ट में जो ट्रांसलेशन आप करवाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स की, उनकी जो है करेक्शन लाजमी होनी चाहिए और करेक्शन होगी तो आपकी सबमिशन होगी। अगर उनके अंदर भी कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं तो लीगलाइजेशन जो है वो आपकी नहीं होती। तो ये लैपटॉप को जब हमने ओपन किया था तो जो सबसे ऊपर जो चीज़ आई हुई थी ये लीगलाइजेशन से रिलेटेड ही आई हुई थी। आई डोंट नो कि ये ब्लर कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो इस सारे स्टेप्स को मैंने आपके साथ डिस्कस इसीलिए किए कि आपके लिए आसानी हो। और अब हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और वीडियो का अहतमाम यहाँ पर हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।